Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 6 exercise 6.4 question number 7 for class 8. Question which is given in a right triangle ABC. Koi right triangle hai ABC aur jo 90 degree yani right angle at B. Suppose that ye raha right angle triangle A B C, क्योंकि यहाँ पे mentioned है already कि 90 degree जो है वो B पे है, मैंने यहाँ पे that's why B put किया. A part में है कि if AB equal to 6 cm, AB equal to 6 cm, BC equal to 8 cm, हमें find करनी है AC, AC की value क्या होगी. You know that कि right angle triangle है, that's why यहाँ पे Pythagoras formula apply करेंगे. और इस चैप्टर में, ये स्क्वायर वाले चैप्टर में ये ट्राइंगल की क्वेश्चन क्यों दी गई है, रीज़न ये है क्योंकि इसमें जो पैथागोरस फार्मूला है उसमें स्क्वायर का यूज होता है, इसीलिए इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को दिया गया. तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओके, ए सी है हमारा हैपेटोनस, इसे हम हैपेटोनस कहते हैं, एच ये परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस. पाइथागोरस फॉर्मूला जो होता है हैपेटोनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर. ए सी पार्ट, ए सी हमारा क्या है, हैपेटोनस है, दैट्स वाई ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 6 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर. ये इसका स्क्वायर जो हम दूसरे साइड में शिफ्ट कर देंगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. ए सी इक्वल टू अंडर रूट 6 का 6 36 प्लस में 64. ए सी इक्वल टू अंडर रूट 100. ए सी इक्वल टू 100 का जब हम ये स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो आएगा 10 सेंटीमीटर एसी की वैल्यू है. आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना.